Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket Ganganagar, Mavana Road, Meerut. Saam Daam Dand Bhed. कुछ ऐसा ही हो रहा है यूपी के जिला पंचायत चुनाव में। पंचायती चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को कड़ी हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उनके 18 प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्विरोध काबिज हो गए। आरोप लग रहे हैं कि ऐसा सरकारी तंत्र के भारी दबाव में होने के कारण हुआ है। प्रशासन खुलकर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने में लगा हुआ है। गैर भाजपा प्रत्याशी को कोई ना कोई कारण बताते हुए चुनाव मैदान से बाहर कर दिया गया है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने के क्रम में आज सहारनपुर के बाद बागपत का नाम भी शामिल हो गया। आरोप है कि सपा रालोद की संयुक्त प्रत्याशी ममता बागपत से 300 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन उनका पर्चा यह कहते हुए प्रशासन ने खारिज कर दिया कि ममता नामक किसी महिला ने आकर पर्चा वापस ले लिया है। जिला प्रशासन पर भाजपा के पक्ष में तानाशाही व लोकतंत्र की हत्या करने जैसे संगीन आरोप लगाते हुए सपा रालोद कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय घेर लिया है। धरना शुरू हो गया है, जोर आजमाइश जारी है। जिला मुख्यालय गेट पर पुलिस ने ताले डाल दिए हैं। भीतर जाने के लिए कार्यकर्ता गेट पर चढ़ गए हैं। धक्का मुक्की जारी है। वहीं रालोद सपा प्रत्याशी के पति जय किशोर ने रोते हुए कहा कि यदि उनका पर्चा खारिज किया गया तो वह पूरे परिवार को लेकर जिला मुख्यालय पर आत्महत्या कर लेंगे। बागपत से 300 किलोमीटर दूर होने का दावा करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को लाइव भी किया है। आइए आपको ले चलते हैं बागपत जिला मुख्यालय, जहां कार्यकर्ताओं ने इस घटनाक्रम के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देखिए पूरा मामला ये है, जब से ये जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है अध्यक्ष का, तब से ये हमारे जो वोटर थे उनके खिलाफ रोजाना मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों के पूरे प्रताड़ित कर रहे हैं। आज तो इन्होंने कमाली कर दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी। आज तो इनका जमीर भी बिक चुका। आज तो इन्होंने बिना ममता किशोर के, बिना प्रत्याशी के इन्होंने फॉर्म वापसी कर दिया और फिर गुंडागर्दी पे आज हम यहाँ कलेक्ट्रेट पे बैठे न्याय लेने के लिए। क्यों डीएम साहब भाग गए, क्यों यहाँ से एसपी भाग गया, क्यों यहाँ से प्रशासनिक अमला भाग गए, सिपाही खड़े कर दिए, ये सब बीजेपी के एजेंट बन का काम कर रहे हैं और इन्होंने एक तरफी झूठा घोषित कर दिया। ये हम चलने नहीं देंगे। इनका कहना है कि ममता किशोर ने ही पर्चा उठाया। ममता किशोर ने कोई नहीं, ममता किशोर राजस्थान में है, भरतपुर में है, वहाँ उसका चलान कटा, वहाँ डीएम साहब की शागिर्दी में है, वहाँ सूर्या होटल में है और वो वहाँ से लाइव आ रही है, वो यहाँ नहीं है। 3 घंटे उसे आने में लगेंगे, वो आने लग रही है, ये सब झूठ बोलने का काम कर रहे। सपा रालोद प्रत्याशी ममता के पति जय किशोर ने यह किया है लाइव। मैं जय किशोर और जिला पंचायत अध्यक्ष पति हूँ। बागपत से मेरा फर्जी करके मेरा पर्चा उन्होंने उठा लिया, प्रशासन ने, बीजेपी ने और डीएम ने, सब हम सब यहाँ हैं, सारे मेंबर मेरे प्रस्तावक सब मेरे साथ हैं और मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने बच्चों को जो देखे और मर जाऊँ, आत्महत्या कर लूँ, और उनको चार कुछ हो जाए, मुझे आज आत्महत्या करनी है और सारा बीजेपी वाले मेरे साथ दबाव बढ़ा, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा फार्म कैंसिल कर बर्बाद किया मैं, और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ पूरी जनता, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत से लोकतंत्र जबरदस्ती मेरा फार्म उठवाया गया और मैं अपने बच्चों को लेकर मैं आत्महत्या करूंगा। और मेरे दोनों भी है बेटे सुनील भी है और रीता मलिक जी भी है, कोई नहीं है, कहीं भी ना पर्ची एफिडेविट बनाया और एफिडेविट बना का पर्ची मेरा वोट आया गया। मैं आज जो और जनता से अपील करता हूँ कि मेरा फार्म यू ही रह जाए, मेरे पर दबाव बना के ये कर रहे हैं। हमारे बागपत के जितने भी अधिकारी, जितने भी वहां के कर्मचारी सब मिले हुए हैं, सब सरकार के साथ मिले, पर्ची ढाके मेरे दोनों प्रस्ताव मेरे पास बैठे हैं, मैं अपने बच्चों को ले जाकर अभी आत्महत्या करूंगा, सारे सारे बच्चों को मारूंगा, खुद भी मारूंगा, मेरी अपने घर वाले को भी मारूंगा, हम सारे मरेंगे अगर मेरा फार्म क्यों हो गया तो। आपको याद दिला दें,
बीते शनिवार की तड़के ममता व उनके पति जय किशोर ने रालोद को झटका देते हुए दिल्ली में बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह के आवास पर जाकर भाजपा का दामन थाम लिया था। चंद घंटे बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आरोप लगाया कि पिस्टल लगाकर उन्हें भाजपा ज्वाइन कराई गई थी। वह रालोद के सच्चे सिपाही हैं। रालोद के समर्थन से ममता ने जिला पंचायत के वार्ड 13 से चुनाव जीता था। इस खबर पर रही बराबर हमारी नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।